श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ माह का ये अंतिम सोमवार, जी हाँ, और ये है गुप्त नवरात्रि का नौमी तिथि अंतिम दिन। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप इस सोमवार को कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये उपाय अगर बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं हो रहा है, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, जी हाँ, कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है अगर अभी तक, तो ये आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि है। आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 बेलपत्री, जी हाँ, 5 बेलपत्री ले। और आपको क्या करना है, अपने ही घर के गमले में या गार्डन में, जी हाँ, घर का कोई गमला हो या गार्डन हो, वहाँ पर एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण करना है, जी हाँ। और बहुत शुभ दिन है क्योंकि ये जो दिन आ रहा है, ये दिन है आषाढ़ का सोमवार और साथ में नौमी तिथि भी है, गुप्त नवरात्रि की नौमी है। तो घर के गमले में एक शिवलिंग बना लें और उस शिवलिंग के ऊपर आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है, जी हाँ, जल समर्पित कर दे, चंदन चावन लगा दे और फिर उसके बाद आपको 5 बेलपत्री को उसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर आपको इसके अंदर महादेव की 5 कन्याओं के नाम लेकर करना है। तो पहले में जया 1 बेलपत्री, विशारा दूसरी, सामरीवारी 2 तली और देव, ऐसे 5 कन्याओं का नाम लेकर एक एक करके बेलपत्री आप शिवलिंग पर समर्पित करते जाओ। हर एक नाम पर 1 बेलपत्री जो शिवलिंग आपने बनाई है छोटी सी, उस पर समर्पित करते जाओ। 5 बेलपत्री समर्पित हो जाए फिर उसके बाद अब आपको करना है इस उपाय को, आपको 2 लोटे जल लेना है, ठीक है। 2 लोटे जल सीधे और उल्टे हाथ में पकड़े और 2 लोटे जल से एक ही धारा में 5 बेलपत्री के ऊपर जल समर्पित करो, जी हाँ, एक ही धारा में 2 लोटे से जल समर्पित करो। पूरा जल समर्पित हो जाए फिर उसके बाद आपको उन 1 घी का दीपक प्रज्वलित करना है, हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने के बाद 5 बेलपत्रियों को उठाकर अपने घर में रख लेना है। या तो आप अपने व्यापार की जगह पर रख ले, अगर धन संपदा वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो, या घर की खुशियों के लिए कर रहे हो तो घर के मंदिर में रख ले, किसी कपड़े में बांधकर 5 बेलपत्री को रख लीजिए। इस उपाय को आप सोमवार को करके देखिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। दूसरा उपाय, ये उपाय भी आप धन संपदा वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए कर सकते हो। गुरुजी ने कहा है अगर महादेव नहीं सुन रहे हैं और बहुत प्रयास कर चुके हो तो इस उपाय को करने से बाबा सुनते ही सुनते हैं। करेंगे क्या, आपको लेना है 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल, ये लेकर आप शिवालय जाओ। 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग किधर करेंगे, जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में कीजिए। 1 बेलपत्री चढ़ा दिया आपने, 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो और डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करो। ऐसे आपको 2 बेलपत्री समर्पित कर देना है। अब आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जल चढ़ाते समय आपको सबसे पहले शिवलिंग से जल चढ़ाते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान तक जाना है और फिर वापस आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग तक वापस आना है। ऐसे आपको जल सीधी धारा और उल्टी धारा में लेकर आना है। ये विशेष उपाय करके देखिएगा, अपना मुख उत्तर की ओर करके बैठिएगा, जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा से ऑपोजिट, आपकी कोई भी मनोकामना महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। तो ये 2 विशेष उपाय है जो आप आषाढ़ नवरात्रि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।